A very good morning, students. Yes, to 2021, let's hope. Right now, it's a new hope for us, a very good hope for us. So, let us start the day today with a very nice prayer which we are going to listen. ये सारे बच्चे आप जैसे ही है, करेक्ट ना? थिंक दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग इन देम. मिस, वॉइस नहीं आ रहा अभी आ रहा है? नो मिस, वीडियो का नहीं आ रहा, वॉइस आपका आ रहा है. ओके फाइन, आई विल चेक इट आउट. ठंड और सर्दी आपकी त्वचा की नमी और ग्लो चुरा के नाउ द वॉइस इज कमिंग और बेजान बना. यस मिस, वैसलीन. हीच मुची प्रार्थनान हेच मुचे मागणी हीच मुची प्रार्थनान हेच मुचे मागणी माणसाने माणसाशी माणसान हेच मुचे मागणी माणसाने माणसाशी माणसासम वागणे बीच का भेदभाव हमको निकालना है. हम सब एक है, एक बन के अपने को भारत बनाना है. We all are one, right? ये भी एक वहाँ की जिला परिषद की स्कूल है, ZP स्कूल. I hope you enjoyed the prayer, yes, students. Today we are going to learn with the Marathi. As I said you about yesterday,
How many of you, just tell me how many of you have done your story? Kitne logon ne story likhi kal? Raise your hands and put in the comment box or in the chat box. Kitne teacher maine likhi hai? Hardly do tino ne bhi to bhi likhi hogi, to bhi it's fine. Yes, this is the question paper in front of you students. Yes, yehi same aapka aisa hi 10th standard ka paper aayega. This is the same paper, question paper. Let us just look at the instruction. Kruti Patrika. Kaise bhi isko abhi aajkal hum log question paper nahi bolte. We don't call it as question paper. We call it as activity sheet. Activity. Kruti Patrika sati suchna. Aapko कैसे क्या करना है. एंड स्टूडेंट्स योर राइटिंग एग्जाम स्टार्ट्स एट 11 o'clock बट द पेपर इज गिवन 10 मिनट्स बिफोर. क्वेश्चन पेपर इज गिवन 10 मिनट्स बिफोर सो दैट यू कैन गो थ्रू. आपका जो डर है पेपर 11 बजे फिर वो डर होते हैं, कोई कोई बच्चा डर जाता है, तो वो डर निकालने के लिए बोर्ड 10 मिनट पहला देता है सो दैट यू कैन रिलैक्स गो थ्रू विद द पेपर. ओके जब 10 मिनट के पहले जब आपको पेपर मिलता है तो आपको पहले ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं. और अगर आपको पहले ही इंस्ट्रक्शंस मालूम होगी तो यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम. राइट फर्स्ट सूचने हाँ क्वेश्चन पेपर है. दिस इज द क्वेश्चन पेपर. यस लास्ट ईयर का हाँ बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है ये. ऐसा ही तुम्हारा रहेगा, ऐसा ही तुम्हारा रहेगा. अगर तुम्हारे पास नहीं है 21 सेट अगर अभी अभी नया आया रहेगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन पेपर रहेगा, लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस आपको ऐसे दिखेंगे नहीं. सेम प्रिंट सेम नंबर कहीं एसएससी बोर्ड ये एग्जाम बिग्जाम जैसे अपने स्कूल का नाम छप के आता है. बता रही हूँ ना बेटा आराम से. लेट मी टॉक फर्स्ट. यस आस्ते आस्ते जाएंगे. ओके फर्स्ट इंस्ट्रक्शन सूचने अनुसार आकलन कृति व व्याकरण या मध्य आकृतियां काढ़ाव्या. आकृतियां यानी जो जो डायग्राम्स है दैट आर टू बी रिमूव्ड. और वो कहाँ है आकलन कृति यानी पैसेज में है रहेंगे और ग्रामर के जहां जहां व्याकरण यानी ग्रामर में जहां जहां आपके डायग्राम्स होंगे वहां आपको डायग्राम्स बनाने हैं. और वो डायग्राम्स किससे बनाने हैं पेन में. सी द सेकेंड पॉइंट आकृतियां पेन में काढ़ावे, पेंसिल से नहीं निकालना है. आकृतियां पेन में यानी जो डायग्राम दिया रहेगा जो सर्कल या बॉक्स दिए जाएंगे वो आपको पेन से ही निकालने हैं, पेंसिल से नहीं. पेन से निकालेंगे, पेन से ही लिखेंगे. और जो आकृति जैसे डायग्राम दिया है अगर बॉक्स दिया है तो बॉक्स बनाएंगे, अगर सर्कल दिया है तो सर्कल बनाएंगे. ऐसा ही बनाना पड़ेगा. यस yes, देखो अगर यहाँ बॉक्स है तो बॉक्स ही बनाओगे, अगर आपने सर्कल बनाया तो नहीं चलेगा. और अगर आपका आंसर सही है लेकिन आपने बॉक्स नहीं बनाया तो मॉडरेटर एग्जामिनर को बोल के रखा है कि उसको रॉन्ग दो, क्योंकि यहाँ पहले ही लिखा गया है, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस पहले ही दिया गया है कि आपको आकृति डायग्राम्स निकालने हैं. क्लियर है तो ये दिमाग में डाल के रखने का कि जहां कुछ नहीं मुझे डायग्राम दिखा मैं वो बनाऊंगी. और वो कैसे बनाना है पेन से, बहुत बड़ा नहीं बहुत छोटा भी नहीं, मेरा आंसर उसमें बैठेगा ऐसा मैं बनाऊंगी. नहीं तो पहले आंसर लिखो और फिर उसका उसको वो बॉक्स में डाल दीजिए. इज दैट क्लियर. आंसर हमेशा 1-2-3 वर्ड्स का ही रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा जो आकृति में आता है वो. एंड दिस रूल अप्लाइज फॉर ऑल योर सब्जेक्ट. हर सब्जेक्ट में एक्टिविटी है, आपको हर में पेन से बनाना है और पेन से ही लिखना है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. उपयोजित लेखनातील कृति साठी सूचना निवेदन आकृति च आवश्यकता नहीं, तसेच या आकृति लिहून घेऊ नये. यानी कल हम लोग ने देखा राइटिंग स्किल, उपयोजित लेखन में जो जो एक्टिविटी दिया रहेगा या डायग्राम दिया है वो आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. यू नीड नॉट ड्रॉ इट, यू नीड नॉट ड्रॉ इट, यू नीड नॉट
राइट इट. नाउ फॉर एग्जाम्पल दिस लेटर दिख रहा है, तो ये आपको ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, ये एक्टिविटी आपको नहीं लिखनी है. ये अगर ऐसा दिया है तो इसको भी आपको ड्रॉ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट आपका आंसर लिखना है. क्लियर है? यानी जहां लेटर्स का राइटिंग स्किल है वहां हमको डायग्राम नहीं डालना है, हमको डायरेक्टली लिखना है. विभाग पाठ अगेन उपयोजित लेखन प्रश्न पांचवा ओ, यानी लेटर के साथ आपको जो चॉइस रहता है वहां सारांश लेखन. सारांश लेखन लेटर के साथ अपने को चॉइस है. या घटका साथी घटक यानी यूनिट गद्य विभागातील प्रश्न पहिला ई अपठित उतारा वाचून त्या उताराचा सारांश लिहायचा असतो. अभी आप सबको इतना तो भी मालूम रहेगा कि सारांश को पैसेज देते राइट. लेकिन जब राइटिंग स्किल का क्वेश्चन आता है सारांश लेखन तो वहां पैसेज नहीं है. आपको जो अनसीन पैसेज देता है गद्य मध्ये जो अनसीन पैसेज असतो त्याचाच आपल्याला वन थर्ड करायचा आहे. तो हमेशा ये याद रखने का कि अलग पैसेज नहीं रहेगा. ये पैसेज अगर रहेगा तो आपको वही करना है. दिस इज द अनसीन पैसेज, तो आपको इसका ही अनसीन वहां पीछे करना पड़ेगा. वापस से पीछे सारांश के लिए पैसेज नहीं है. क्लियर है? यस. नेक्स्ट पॉइंट वील सी स्वच्छता यानी नीट के पना नीटनेस व लेखन नियम अनुसार. लेखन नियम अनुसार यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. देयर शुड बी नो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन योर पेपर. लेखन या करिए राइटिंग ये सब लिखते समय आपको ध्यान देना है. नीटनेस क्लीनिनेस एंड नो ग्रामेटिकल मिस्टेक यांकडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावे. यानी आपका पेपर नीट होना चाहिए विच विल बी एबल फॉर द एग्जामिनर टू चेक इट प्रॉपरली. समझा है सूचना? ये ध्यान रखो. इसमें से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इज पेन से करना है डायग्राम. यस. सारांश लेखन का पैसेज अनसीन पैसेज को ही प्रश्न पहला ई अनसीन पैसेज को ही आपको सारांश लेखन करना है. और मेरा पेपर में आराम से नीटली इन अ नीट हैंड राइटिंग विदाउट एनी मिस्टेक आई एम गोइंग टू राइट माय पेपर. इज दैट क्लियर? नाउ दिस इज गद्य विभाग. पहले क्वेश्चन स्टार्ट होता है और फिर पैसेज बनता है. ओके. नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ देखो इसका पैसेज यहाँ है, इसका पैसेज यहाँ है. फर्स्ट पैसेज पंतांची आस्था. कौन सा लेसन का रहेगा? हू विल से मी. आज शायद मुझे आवाज आ रहा है तो पढ़ो देखो क्या है. किसका पैसेज दिख रहा है आपको? बटाटा. ये सब कौन सा है? डाइट बटाटा. भी थोड़ा क्लियर नहीं है बेटा बच्चे लोग, बट जस्ट ट्राई टू सी इट. कौन सा लेसन है? उपवास. यस उपवास. यस. तो उसके क्वेश्चंस है, हर दो दो मार्क है. जय पढ़ने का कृति पूर्ण करा, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है. ड्रॉ द डायग्राम एंड राइट द आंसर. पंतांना उपासाबाबत मिळालेले विविध सल्ल्यांची वर्णन तुमच्या शब्दात लिहा. थर्टीन मार्क्स यानी पर्सनल रिस्पॉन्स आंसर 3 मार्क्स. उनको उपास के बदल क्या क्या लोगों ने सूचना दिए वो आपको लिखना है. करेक्ट पैसेज में ही मिलेगा. और बच्चे लोग पर्सनल रिस्पॉन्स आंसर कभी नहीं छोड़ने का. इट इज 3 मार्क्स राइट ना. नेहमी प्रयत्न करायचा जस येत तस लिहायचं. 3 पैकी 1 मार्क तरी आपल्याला मिळणार. आणि असं नाही आहे की आन्सर पॉझिटिव्ह लिहायला पाहिजे किंवा नेगेटिव्ह लिहायला नाही आवडलं नाही पण लिहू शकता तुम्ही. करेक्ट. असं काही नाही आहे की आपण नेगेटिव्ह आन्सर नाही लिहू शकत. इट्स युअर ओन चॉईस. तेरा पर्सनल है. लेकिन आन्सर हमेशा लिखो. डोंट लीव इट. पढ़ो. मेन प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. वरना पेपर बहुत इजी होता है. यस. इसके लिए थोड़े अपने जो बुक से आपके पास मटेरियल बहुत अवेलेबल रहता है. और मटेरियल नहीं भी है तो अपना टेक्स्ट बुक
वंस वी आर थरो विद द लेसन, क्वेश्चन कहीं से भी आए, यू शुड बी एबल टू राइट इट. Correct. I hope you are understanding what I want to say. I just want to say that you read the lesson. Apna lesson अच्छे से पढ़ो, उसके words, उसके meaning समझ के ले लो. फिर आपको कोई किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. स्वमत कहीं भी 3 marks का है, ये माशेलकर ऊर्जा शक्ति चा जागर उस पैसेज का है. स्वमत है उत्तरेच्छा आधारे सूचने वर कृति करा. अगर जब मैजदे फॉरिंग ऐसा है तो ए गट लिखने का बी गट का डायरेक्ट आंसर कितना इजी है. देखो बिना देखे भी अपने को पता चलेगा सूर्य क्या रहेगा. सूर्य क्या रहेगा बोलो, सूर्य क्या देता है, सूर्य क्या देता है, देखो प्रकाश है ना. थर्ड वर्ड मेघ, मेघ यानी पानी. शेतकरी क्या देगा, धान्य. विनकर क्या देगा, वस्त्र. वस्त्र यानी कपड़ा. सो इजी इट इज, 2 marks मिले. करेक्ट. सो द पेपर इज वेरी इजी बट यू शुड ट्राई टू सी. वी नो दैट आवर ईच पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 sections. पहला हम लोग ने देखा गद्य, अभी पद्य यानी पोयम्स. कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा. मुळावर घाव घातले कौन सा पोयम रहेगा, अलगत होणारे थेम. झाडाच आहे करेक्ट ना, झाडची पोयम है अलगत उत्तरत दवांचे टपोरे थेम. झाडाकडे ही झाडाची पोयम आहे, त्याचे बेस्ड हे क्वेश्चन्स, ही पोयम आली आहे त्याचे बेस्ड वर हे क्वेश्चन्स आलेले आहेत. असे सुटसुटीत प्रश्न पत्रिका असते, एकदम अच्छे से रहता है. आंसर्स देखो आपको, पहले दो तो भी हमारे बहुत इजी आंसर्स रहते करेक्ट ना, सिंपल फैक्चुअल आंसर्स. आकलन कृतीतले पहले 4 mark आपले खिशातले समजायचे, पण त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायला लागतं, मेहनत घ्यायला लागते आधी करेक्ट ना. आणि ती आपण घेतोय आहोत. सकाळी सकाळी उठून तुम्ही लेक्चर्सला बसता, तुम्ही रोज अभ्यास करता, दिस इज वेल एंड गुड. ऐसे ही पढाई करोगे तो भी चलेगा. Now this is the main question which I wanted to discuss today with you all. This is appreciation of the poem. खालील दोन कवितांपैकी कोणत्याही एका कविते संबंधी दिलेल्या मुद्द्यांवर आधारित कृती सोडा. आपके सामने आपको दो पोयम दिख रहे, अंकिला मी दास तुझा किंवा स्वप्न करू साकार, ये दो पोयम्स दिए हैं. स्टूडेंट्स अपने टेक्स्टबुक में संतवाणी 2 है करेक्ट ना. उस 2 में से एक दोनों संतवाणी अच्छे से करो, दोनों में से एक ऑलमोस्ट 70-80% आती है. संतवाणी हम लोग पूछते हैं तो 2 है. फर्स्ट वाला तो बहुत इजी है, आज हम वही करने वाले हैं. अंकिला मी दास तुझा, यस. तो ये दोनों संतवाणी से, दोनों संतवाणी आप अगर अच्छे से करोगे तो आपके 8 marks एप्रिसिएशन को कितने हैं, 8 marks है, 8 marks. एंड फर्स्ट क्वेश्चन तो वेरी इजी है. दिस इज टू हुम आई एम सेइंग, जिनको हमको 20 राइटिंग में से सिर्फ 20 या 25 marks संभालने हैं. ऑल द बिलो एवरेज स्टूडेंट्स करेक्ट. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रस्तुत कवितेचे कवि, ये कंपल्सरी क्वेश्चन है. अपने यहां सिर्फ 7 poems है, वो 7 poems अगर हम उनके नाम और उनके कवि के नाम बाहर करो, रोज एक एक दिन एक चार्ट बनाओ अपने सामने, एक तरफ पोयम एक तरफ कवि का नाम, इट इज वेरी इजी टू लर्न इट. अभी तक रोज एक एक दिन पढ़ोगे आपका 1 mark श्योर है. यही फर्स्ट क्वेश्चन रहता है. यहाँ आपको चॉइस है, दोनों में से एक पोयम लेनी है. अगर आपने अंकिला मी दास तुझा लिया तो ये सारे क्वेश्चन उसी पोयम के लिखने पड़ेंगे. अगर आपने स्वप्न करू साकार की लिया तो सारे क्वेश्चन उसी पोयम के लेने पड़ेंगे. आप ऐसा नहीं करोगे कि मेरे को ये 2 आते हैं इस पोयम का तो ये 2 लिखूंगी, ये 2 इस पोयम का आता है तो ये 2 लिखूंगी, ऐसा नहीं चलेगा.
एक ही पोयम जो आप फर्स्ट लोगे उसी के ही सारे क्वेश्चंस को करेक्ट किया जाएगा, दूसरा अगर बीच में आप पोयम के क्वेश्चंस डालोगे तो नहीं चलेगा। यू हैव टू राइट ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द फाइव क्वेश्चंस ऑफ द सेम पोयम। अंकिला का, मी दास तुझा का ही ये सारे पांच के पांच क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, बाय हार्ट करना है कि कवि का नाम क्या है, कविता आणि कवि हे बाय हार्ट झाले ना तर एक मार्क नक्की आपला। दुसरा प्रश्न असणार प्रस्तुत कवितेचा विषय, प्रस्तुत कवितेचा विषय। आता विषय आपल्याला कुठल्याही पोयमच्या इंट्रोडक्शन सेक्शन मध्ये मिळतो, करेक्ट ना? कुठल्याही पोयमच्या इंट्रोडक्शन ह्याच्या मिळतो। आता ही आपली संतवाणी अंकिला मी दास तुझा, आता ह्याच्यातली फर्स्ट लाईन ही बायहाट करायची, हीच लाईन सगळीकडे चिपवायची। प्रस्तुत अभंगामध्ये सन नामदेवानी विविध दृष्टांतातून परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे, तर या पोयमचा विषय काय आहे? परमेश्वर कृपेची याचना, परमेश्वर कृपेची याचना, करेक्ट? सो दिस इट शुड बी दिस वे की विषय काय आला आहे, की विषय काय आला आहे की परमेश्वर कृपेची याचना केलेली आहे, करेक्ट? परमेश्वर भक्ती सिंपल लँग्वेज मध्ये याचना बिचना नाही आपल्याला जमत, नकल येऊ। परमेश्वराची भक्ती, संत विठ्ठलाची भक्ती तरी चाले, जितकं तुम्ही तुमच्या सोप्या भाषेत लिहाल तितकं तुम्हाला लक्षात द्यायलाही बरं, लक्षात ठेवायलाही बरं, आणि लिहितानाही तुमचे मिस्टेक्स होणार नाही। आता ह्याच्यासाठी जरा अभ्यास करायला लागणार ना मुलांनो, थर्ड क्वेश्चन साठी प्रस्तुत ओळींचा सरळ अर्थ लिहा, याने आयदर आपने अगर यहां ये पोयम लिहा है तो अग्नि मजे पड़े बाळू माता धावे कनवाळू, एक बार अगर आपको पोयम समझ में आई है तो आप इस पर दो लाइन्स अपने आप से लिख सकते हो। तो इसलिए जब टीचर एक्सप्लेन करती है इतने पोयम से इतना पोर्शन हुआ है, हर पोयम एक एक दो दो बार हर जहां हुआ है, करेक्ट ना? यहाँ हुआ रहेगा, आपके स्कूल में से ऑनलाइन से टीचर ने सिखाया रहेगा, अगर आप क्लासेस में जाते तो वहां सीखे होंगे, नहीं भी तो यही कितने बार हुआ रहेगा। तो अगर आपको पोयम समझ में आई है तो आप कौन से भी दो लाइन अपने ओन वर्ड्स में लेकिन मराठी में लिखना जरूरी है। क्लियर? यानी यहाँ मीनिंग ऑफ द लाइन्स, यू हैव टू एक्सप्लेन द लाइन्स। फोर्थ क्वेश्चन प्रस्तुत कवि, प्रस्तुत कविता आवडने से व न आवडने से कारण। अगर आपको पोयम अच्छी लगी तो लिखो, आपको पोयम नहीं अच्छी लगी तो उसका रीजन पूछा। आई वुड लाइक टू गिव यू वन ट्रिक कि मला ही कविता आवडली, क्यों? सुबोध सरल भाषा, करेक्ट? ये एक लाइन भी लिखोगे आपको आधा मार्क्स तो भी जरूर मिलेगा। पोयम खूब, कविता खूब सुंदर शब्दात समजवलेली आहे, कविते कवितेची भाषा सुंदर सरल सुबोध आहे। और फिर अगर ये मैं एवरेज बच्चे के लिए बोली है, बिलो एवरेज के लिए, एंड दोज हु आर एक्सपेक्टिंग हायर मार्क्स आर गोइंग टू राइट प्रॉपरली, करेक्ट? त्याच्यात काय होतं काय नाही होतं हे तुम्हाला लिहायचं आहे, देन यू विल गेट फुल टू मार्क्स। अँड फिफ्थ वन इज प्रस्तुत शब्दांचा अर्थ लिहा। आता जेव्हा टीचर एक्सप्लेन करतात तेव्हा टीचर मीनिंग सांगतात, तेव्हा जे तुम्ही नोट डाऊन केले असतात टेक्स्टबुक मध्ये जर ते तुमच्या लक्षात राहिले तर तुम्हाला ते लक्षात ठेवायला खूप इझी पडणार, करेक्ट ना? आता काज सेवे पाडस धेनू, काज म्हणजे काम, सेवे म्हणजे तुरंत, पाडस म्हणजे हरणीचं बाळ, करेक्ट? धेनू म्हणजे गाय। तर असं जे मीनिंग्स तुम्हाला जेव्हा टीचरने एक्सप्लेन केलेले असतात जे तुमच्या लक्षात असते तर मीनिंग्स लिहायचे। पण तुम्ही असं नाही करणार की इकडचे मला दोन मीनिंग्स आले तर मी इकडचे दोन लिहिणार, मला इकडचे नाही आले तर मी दुसऱ्या पोयमचे लिहिणार, नाही चालणार। ज्या पोयमचे तुम्ही स्टार्ट केले त्याचेच लिहायचे आहेत। होप यू आर क्लिअर विथ इट, ये अच्छा है, करो। 21 सेट
लास्ट ईयर का रिफर कर रहे हैं तो उसने अलग अलग क्वेश्चंस दिए हैं, डोंट गो विद दैट क्वेश्चंस, ओके. दिस आर द क्वेश्चंस, इसमें दिस इज बाय न्यू पैटर्न, ये पांच क्वेश्चन से ही आपको पूछा जाएगा. क्लियर है? 8 marks यू आर गेटिंग स्टूडेंट्स. कितना? 8 marks. इसमें से फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ इज वेरी इजी. करेक्ट ना? फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ, यानी अगर आप ये चार तो भी कर, तीन तो भी करोगे. फोर्थ इज ऑल्सो इजी, जो मैंने बोला कि क्या लिखना है, सुंदर सरल भाषा, 1 mark जरूर मिलेगा. राइट? तो जिनको बिलो एवरेज बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ, जिनको ज्यादा मेहनत करनी है, उन्होंने सोचा कि मेरे को ये ही इतना करूंगा, इसको ही मैं परफेक्ट करूंगा, 7 poems के नाम पढ़ूंगा, पोएट के नाम, उनके मीनिंग्स ज्यादा तो नहीं है. यस, और एक दो बार पढ़ने से आपको याद तो जरूर रहेंगे और मीनिंग्स ही है. यस, या और लेकिन ऐसे नहीं सोचना कि देखा जाएगा, क्लास में पूछूंगा, आगे वाले का देखूंगा. नहीं, this is not expected from you all students, correct? You are going to work out on it. Is that clear? So shall paper aage ka de, fir apna poem ke baad stool vachan aata hai. Stool vachan mein 3 questions hi diye jayenge. You aapko stool vachan mein 3 questions hi diye jayenge. Yahan diagram mein hi hai. Yahan direct question and these are textual questions. जो अपने धड्या, जे आपल्या धड्यांच्या खालती आहे तेच विचारले जातात. समजते मुलांनो? म्हणजे आपल्याला जेमतेम 4 प्रत्येक युनिट मध्ये एक एक आहे, हो, त्याच्यातले आपण 3 तरी केले, ठरली 3, एक ऑप्शनला टाका, कारण इथे चॉईस आहे, इथे चॉईस आहे. 3 पैकी 2 लिहायचेत आपल्याला, आणि इथे तुम्हाला 3-3 mark मिळणार आहेत. किती मार्क? 3. ओके, फुल मार्क्स लँग्वेज मध्ये देत नाहीत आन्सर्सला, पण तुम्ही 2.5 पर्यंत तरी जाऊ शकता. येस, अच्छे बच्चे अगर बाहेट करेंगे थरली, जो टेक्स्चुअल में है, गाइड्स में है, आपके आपके नोट्स में है, बाहेट दैट आंसर्स. हार्डली हर लेसन में 2-2, 3-3 है. लर्न द सेंट्रल आइडिया ऑफ इट. सेंट्रल आइडिया पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बेस्ड ऑन दैट ओनली यू आर गोइंग टू राइट. दिस क्वेश्चंस आर डायरेक्ट फ्रॉम द फ्रॉम आवर लेसन. स्काय इज द लिमिट हा तर ठरलेला आंसर आहे, इम्पॉर्टंट आंसर आहे. एक 10 answers सॉर्ट आउट करा, आणि तुमचे तुम्ही जर ते बायहार्ट करून ठेवले तर इथेही आपल्याला मार्क मिळायला हरकत नाही आहे. पण मुलं म्हणतात 6 marks कशाला ते एवढे एवढे मोठे मोठे आन्सर्स बायहार्ट करायचे. पण इथे तुम्ही शुअर आहात, एक समजताय कि हे जर मी आन्सर केले, जसं आपण हिस्ट्री सायन्स मध्ये आन्सर्स बाय हार्ट करतो आणि तेच बहुतेक येऊ शकतात लेसन्सचे, तसं मराठीत इथेच एक आहे की तुम्ही ते आन्सर बाय हार्ट केले तर तुम्हाला तेच विचारले जाईल. कारण पॅसेज मध्ये आपण किती वेगवेगळ्या प्रकाराने प्रश्न विचारले जातात, पण इथे जसे आहेत तसेच तुम्हाला ते क्वेश्चन्स मिळतील. हां, शब्द बदलू शकतात ती लोक, क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हैं यहाँ वहां घुमा के, लेकिन आंसर तो सेम रहेगा. हाँ, तो ऑल द गुड स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू से प्लीज बाय हार्ट द आंसर्स, डोंट लीव इट. ये 6 mark मत छोड़ो, यहाँ आपके मार्क्स बढ़ेंगे. ओके, फिर अपना चौथा भाग है भाषा अभ्यास. भाषा अभ्यास म्हणजे ग्रामर, व्याकरण सुरू होतं. मुलांनो, पेपर असाच येणार, हे असंच आहे तुमच्या डोळ्यासमोर. अगर आप स्क्रीनशॉट निकाल रहे हो तो आपको अच्छा गिरेगा. येस, पहिला वाक्य प्रचार येतात, वाक्य प्रचार ओळखा. आज मी फक्त फिक्शन पेपर दाखवते तुम्हाला, आपण गो थ्रू नाही करत. वाक्य प्रचार ओळखा, मग वाक्य शब्द समूहाबद्दलची लेखन नियम, विराम चिन्हे, ये ऐसे ही रहेगा. जैसे सिक्वेंस वाइज होता है वैसे ही पहले 4 ये मेन ग्रामर के होंगे, फिर बाद में आपके बाद का होगा, फिर यहाँ आपका ना उपयोजित लेखन, लेटर आला, पत्र लेखन, पत्र लेखन झालं, पत्र लेखन नंतर आपलं
नेक्स्ट सारांश लेखन हे बघा इथे दिला आहे गद्य ई प्रकार ए मधील अपठित उतारेचा सारांश सूचना पर्यंत लिहा ते येणार ओके मग जाहिरात मग बातमी बातमी लेखन हे बातमी लेखनच आहे आणि नंतर कथा लेखन बघा छान होतं ही एक स्क्रीनशॉट काढा आणि ही आज कथा लिहून टाका आंतर शालेय क्रीडा स्पर्धा धावण्याची स्पर्धा शाळेतर्फे अंतर शालेय यानी इंटर स्कूल अगर यही ने समझा हमको तो क्या क्रीडा यानी स्पोर्ट्स धावण्याची रनिंग शाळेतर्फे वर्दाचा सहभाग वरद लड़के का नाम सहभाग यानी उसने पार्टिसिपेट किया वरद उत्तम धावपटू ही वॉज अ गुड रनर सराव यानी प्रैक्टिस करना उत्तम धावपटू तनयशी स्पर्धा दूसरा उसका अदर कॉम्पिटेटर तनय प्रत्यक्ष स्पर्धा एक्चुअल डे ऑफ द कॉम्पिटिशन चुरशीचा स्पर्धा एकदम कॉम्पिटिशन रंग गई थी अचानक तनयचा पाय मुरगळणे तनय बिचारा भागते भागते उसके पैरों में मोच आती है वो गिर जाता है स्पर्धा सोडून वरद से मदतीला धावणे वरद एक अच्छा लड़का था वो अपना रनिंग छोड़ के तो, उसकी मदद करने गया स्पर्धा हरू नहीं वरद से कर दो बेचारा हर जाता है लेकिन सब लोग उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि वो उसकी मदद करने के लिए गए दोनों हार गए और कोई तीसरा ही जीत के लेके गया कप लेकिन सबने इसकी जीत को हार को भी जीत समझ ली मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया ताकि आपको समझ में आए आप मराठी में लिखने वाले हो ओके आज अब मुझे पोयम सिखाना है बच्चे लोग फिर द लास्ट क्वेश्चन विल बी लेखन कौशल्य यह अपना कॉम्पोजिशन है 8 marks प्रसंग लेखन 1 type ये जिस बॉक्स में दिया गया है बच्चे लोग जिस बॉक्स में दिया गया है उसमें ही आपको पॉइंट्स लेके कॉम्पोजिशन बनानी है खालील मुद्द्यांच्या आधारे पावसाळ्यातील एका दिवसाचा तुम्ही घेतलेला अनुभव प्रसंग याने यू हैव टू डिस्क्राइब प्रसंग इंसिडेंट है ना रेनी सीजन को आपको एक्सप्लेन करना है पावसात एक दिवसात घेतलेला अनुभव आपका एक्सपीरियंस क्या है आप अभी आपको लगा पाउस है तो आप कुछ भी लिखते नहीं जाना है कि मैं बारिश में मी पावसात भिजले आमच्याकडे छत्री नव्हती असं नाही लिहायचंय आपल्याला ह्या 4 points मध्येच आपला कॉम्पोजिशन डेव्हलप करायचा आहे निसर्ग दृश्य यानी नेचर को एक्सप्लेन करना है आजूबाजू का नेचर फिर आनंददायी वातावरण वातावरण कैसे अच्छा रहता है तो ये आपका सेकेंड पैराग्राफ होगा अविस्मरणीय दिवस यानी कभी मैं वो दिन भूल नहीं सकती हूँ ऐसा तो ये आपके पॉइंट्स ये 3 points को लेकर आपको आपका ये लेसन ये सॉरी ये कॉम्पोजिशन आपको डेवलप करना है आप कहीं भी कुछ भी दूसरा नहीं लिख सकते हो यू आर सपोज टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड सॉरी नेक्स्ट नेक्स्ट कॉम्पोजिशन में इसको इसमें आपको चॉइस है तीनों नहीं करना है आइदर वो प्रसंग हो आत्मकथन किंवा वैचारिक ये तीनों में से एक लिखना है अभी ही आप इसमें इन दिस आई कुड से अगर आपको जो अच्छा लगता है ना बच्चे लोग उसकी प्रैक्टिस करो ये एक याद करो कि यहां मैं अगर मेरे को आत्मकथन यानी ऑटोबायोग्राफी करेक्ट ना आपको वो चीज बननी है और लिखनी है मैं मी पुस्तक फिर आप नहीं बोलोगे पुस्तक आप पुस्तक बनोगे करेक्ट ना ये रूल आपको मालूम है कि आत्मकथन में जो चीज की दी गई होती है वो हमको खुद महसूस करके लिखनी होती है यहाँ किसकी आत्मकथन लिखनी है दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे मुद्दे यानी जो टॉपिक्स दिए है मुद्द्यांच्या आधारे चौकटील घटकाचे आत्मकथन लिया चौकट मध्ये क्या है पुस्तक तो आपको पुस्तक का आत्मकथन लिखना है तो पुस्तक से उपयोग व महत्व उपयोग यानी यूज महत्व म्हणजे इम्पॉर्टन्स तो इम्पॉर्टन्स एंड यूजेस ऑफ बुक्स
वैशिष्ट्य, उसकी क्या अच्छाई है, मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बुक, आनंद आणि खंत, खंत यानी बुरा लग रहा है उसको, खंत क्या डिसएडवांटेज हो रहा है, खंत आनंद यानी पढ़ने के बाद, पढ़ने के बाद हमको खुशी मिलती है, दैट इज आनंद। खंत म्हणजे कोण पुस्तक चुरगळतात, पुस्तकांचे पेपर बॉल्स करून फेकतात, काय पण लिहितात, दॅट इज वो पुस्तक बोल रहा है कि मला तेव्हा खंत वाटते, बरोबर ना। असं तुम्हाला चार पॅरेग्राफ मध्ये एक एक पॉइंट को लेकर हमको चार पॅरेग्राफ में अपना कॉम्पोजिशन बनाना है। पण बोलना है क्या है, पुस्तक, मी पुस्तक आहे, क्या लिखोगे, मी पुस्तक आहे, मी प्रिंटिंग प्रेस मध्ये। आता सगळ्याच मराठी शब्द आपल्याला जमणार नाही, तुमको प्रिंटिंग प्रेस ये वो सब वही के वही वर्ड्स नहीं आएंगे, तो जो आएंगे वैसे मराठी में लिखोगे तो भी चलेगा, ओके। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज वैचारिक, वैचारिक यानी सोच के लिखने वाला, युग संगणक से, संगणक म्हणजे काय, जर आपल्याला संगणकच काय कळलं नाही, आता थोड्या तरी तुम्हाला कळत असेल, संगणक म्हणजे कॉम्प्युटर, युग संगणाचे, युग याने डिकेड, य द य ऑफ कॉम्प्युटर, या विषयावर खाली मुद्द्यांच्या आधारे तुमचे विचार लिहा, काळाची गरज याने नेसेसिटी ऑफ द टाइम, महत्व इम्पॉर्टन्स, फायदे, फायदा याने क्या प्रॉफिट, तोटे याने लॉस, एडवांटेज अँड डिसएडवांटेज ऑफ कॉम्प्युटर, सदुपयोग, गुड यूज ऑफ कॉम्प्युटर, कॉम्प्युटर से क्या क्या फायदे होते हैं, कॉम्प्युटर के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, और कॉम्प्युटर से क्या यूज हम कर सकते हैं उसके बारे में लिखना है। वेरी इजी टॉपिक्स वेर गिवन, आठ में से स्टूडेंट्स, एट में से यू कैन गो टिल सिक्स टू सिक्स, अच्छे से अच्छे लिखा तो यू कैन गेट सिक्स मार्क्स इन इट, यस स्टूडेंट्स, छह मार्क्स, इमेजिन करो, दैट विल हेल्प यू सो मच। एंड जो बिलो एवरेज के बच्चे हैं, अगर उन्होंने स्टार्टिंग किया वैचारिक, युग संगणका से, या कुछ तो भी कंप्यूटर के बारे में थोड़ा तो भी लिखा, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। दो तीन पैराग्राफ अगर आप लिखते हो तो एटलीस्ट टू मार्क्स तो भी मिलेंगे। यस प्लीज, अ सिंसियर एंड हम्बल रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स, डोंट लीव द राइटिंग स्किल, पास होना है ना बच्चे लोग, तो राइटिंग स्किल लिखना बहुत जरूरी है, आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आप पास ही नहीं होंगे, आपको ओरल्स के ऐड भी करने को नहीं मिलेंगे, इतने मार्क्स हमको इसी सेक्शन से मिलेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड विद दिस पेपर, यस एनीवन, एनी डाउट रिगार्डिंग द क्वेश्चन पेपर, एनीवन, एनी डाउट रिगार्डिंग विद द क्वेश्चन पेपर, कुछ पूछना है आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में, आपको पूछना है कुछ क्वेश्चन के पेपर में, और एक 10-15 मिनट है, आई थिंक वी शुड गो विद द पोयम टुडे, आई एम गोइंग टू टीच यू अंकिना दास तुझा, एटलीस्ट लेसन लेट अस, हेलो मैम, यस हाँ बोलो मैम, एप्रिसिएशन लिखते वक्त हमें बॉक्स ड्रॉ करना है, बॉक्स नहीं, सेंटेंस में ही लिखोगे, अग्नि माजी पड़े बाळू, थैंक यू, ओके, माता धावे कनवाळू, अग्नि माजी पड़े माता धावे कनवाळू, विठ्ठलाच्या दर्शनाची त्यांच्या कृपेची याचना करताना संत नामदेवांनी म्हटले आहे की जर एखादे बाळ आगीत चुकून पडले तर त्या बाळाची आई त्याच्या रक्षणासाठी धावते, त्याप्रमाणे संत नामदेव अभंगातील या ओळीतून विठ्ठलाला उद्देशून म्हणतात की हे विठ्ठला, तू देखील माझ्या मदतीसाठी असाच धावून ये, तैसा धावे माझी या काजा अंकिलामी दास तुझा। अभंगातील या ओळीतून संत नामदेव म्हणतात की हे विठ्ठला, माझे आणि तुझे नाते अतूट आहे, हे विठ्ठला, मी तुझ्या चरणी लीन झालेला भक्त आहे, तुला शरण आलो आहे, मी स्वतःला तुझा दास मानले आहे,
तू माझ्यावर कृपा कर व माझे कार्य पूर्ण करण्यासाठी धावत ये. सवेंची झेपावे पक्षिणी, पिली पडतांची धरणी. पक्षिणी आपल्या पिल्लांसाठी चारा म्हणजेच अन्न शोधताना उंच आकाशात सतत भरारी घेत असते, पण तिचे लक्ष मात्र आपल्या पिल्लांवर असतेच. पक्षीण नसताना जर चुकून घरट्यातल्या पिल्लाचा तोल गेला तर ती पक्षीण लगेचच आपल्या पिल्लाच्या दिशेने झेपावते आणि त्याचे प्राण वाचवते. अगदी तसेच विठ्ठलानेही संकट समयी आपल्याकडे झेपावे अशी याचना संत नामदेव अभंगाच्या या ओळीतून करतात. भुकेले वत्सरावे धेनू हुंबरत धावे. जेव्हा एखादे वासरू भुकेने कासावीस होते, आपल्या आईला शोधत शोधत हंबरत असते, तेव्हा जसा त्या वासराचा आवाज कानी पडला की ताबडतोब ती गाय सुद्धा प्रतिसाद देत आपल्या वासराच्या दिशेने धावत जाते. विठ्ठलाने देखील नेमक्या याच वात्सल्याने आपल्यावर मातृप्रेमाची कृपा करावी अशी इच्छा संत नामदेवांनी अभंगातील या ओळीतून व्यक्त केली आहे. वणवा लागलासे वनी पाडस चिंतीत हरणी. जंगलात जेव्हा निसर्गतःच आग लागते तेव्हा त्याला वणवा पेटणे म्हणजेच फॉरेस्ट फायर असे म्हणतात. जंगलात वणवा पेटल्यावर जंगल जळून राख होते. अशा वेळी हरणीचे पाडस जे हरणीपासून दूर आहे ते सुरक्षित असेल का अशी चिंता हरिणीला असते. विठ्ठलानेही आपली चिंता काळजी करावी आणि एक अतूट नाते निर्माण करावे अशी नामदेवांची याचना अभंगाच्या या ओळीतून दिसून येते. नामा म्हणे मेघा जैसा विनवितो चातक तैसा. संत नामदेव आपल्या अभंगात शेवटी म्हणतात की चातक पक्षी हा मेघाच्या जलाची आतुरतेने वाट पाहत असतो. मेघातून पडणाऱ्या जलबिंदूंचीच त्याला अपेक्षा असते. पृथ्वीवरच्या पाण्याकडे तो पाहतही नाही. अंकिल आम्ही दास तुझा या अभंगात संत नामदेवांनी परमेश्वराच्या कृपेची याचना केली आहे. त्यासाठी आई प्राणी आणि पक्षी यांच्या मातृप्रेमाचे दृष्टांत त्यांनी या अभंगात दिलेले आहेत. पोयम समझ में आई रहेगी? बहुत बार ये पोयम एक्सप्लेन भी हुआ रहेगा. यस हेलो कैन यू ऑल हियर मी? अंकिला मी दास तुझा. अंकिला याने समर्पित, टू सरेंडर, एक जिसने भगवान को अपना सब कुछ दे दिया है. और वो कौन है? संत नामदेव. ये संतवाणी किसने लिखी है? संत नामदेव यांनी लिहिली आहे. आपण त्यांचं इंट्रोडक्शन नको बघूया, जस्ट डायरेक्ट आपण पोयम कडे वळूया. अंकिला मी दास तुझा. अंकिला का मीनिंग काय? समर्पित करना, सरेंडर करना मराठीत आहे. मग मुलांनो तुमच्या जवळ टेक्स्टबुक असेल, नोटबुक असेल तर लिहून ठेवा कुठेतरी वर्ड्स. अंकिला समर्पित, सरेंडर इंग्लिश मध्ये लिहा म्हणजे लक्षात राहील, पण लिहिताना सरेंडर नाही लिहिणार तुम्ही, मीनिंग समर्पित करा. अंकिला, अंक म्हणजे नंबर, पण अंकिला इथे काय येतं? ट्रू सरेंडर, समर्पित करणे. मी दास, दास म्हणजे नोकर, सेवक. इथे नोकर आपण नाही म्हणू शकणार, पण दास म्हणजे काय? सेवक. संत नामदेव विठ्ठलाला म्हणतायत की मी तुझा सेवक झालोय, मी तुला सर्व समर्पित केलेलं आहे. अंकिला मी दास तुझा. समजलं मीनिंग? आणि कवी कोणे? संत नामदेव. आपल्याला एक मार्क हवाय ना, तर आता संतवाणी अंकिला मी दास तुझा, संत नामदेव. इतकं बाहेर करून ठेवा ना प्रत्येकाचे नाव की झोपेतून जरी तुम्हाला कोणी उठवून विचारलं ना तर तुम्हाला ते आले पाहिजे, तरच ते आपल्याला एक मार्क मिळणार. नाही तर ह्याचं त्याला आणि त्याचं त्याला, जॉर्ज लोपेस नको की आणि काहीतरी दुसरं नको, करेक्ट ना? असं झालेलं नाही पाहिजे. आहे तर आहे, हेच आहे असं आपल्याला 100% पक्क पाहिजे. आपण आणि ही एक लाईन प्रत्येक पोयमची वाचून ठेवायची,
प्रस्तुत अभंगामध्ये संत नामदेव विविध दृष्टांतून परमेश्वर कृपाची याचना केली आहे. अभंग याने हे वारकरी संप्रदायचे होते, सेंट है, करेक्ट ना. सारे संत लोगों ने जो कविता लिखी है उसको अभंग बोलतात, त्यांना काय बोलतो आपण, अभंग. आणि संत नामदेव हे मोठे संत होऊन गेले आहेत. त्यांचे पंजाब मध्ये वरती तुम्ही बघाल की त्यांचे ग्रंथ साहेब मध्ये पण बहुतेक अभंग समाविष्ट केलेले आहेत. तर संत नामदेवाने आपल्या ह्या संतवाणी मध्ये विविध दृष्टांतून, अंडरलाइन द वर्ड दृष्टांतून, दृष्टांतून यानी एग्जाम्पल्स. अभी हम लोग ने वीडियो में देखे कितने लास्ट लाइन था वीडियो का कि कौन से दृष्टांतून, आई, प्राणी, पक्षी, ओके ना, या सर्व दृष्टांतून एक्झाम्पल्स ने त्यांनी आपल्याला परमेश्वर कृपेची की तेरा कृपा, तेरी तेरा हात मेरे सर पर रहे, कृपा म्हणजे तू माझ्या पाठीशी राहा, कृपेची याचना, अंडरलाइन द वर्ड याचना. याचना करना यानी रिक्वेस्ट करना, याचना सांगणे, रिक्वेस्ट. संत दृष्टांत परमेश्वर कृपेची याचना केलेली आहे. हॅलो मॅम, ओके, लेट अस सी द फर्स्ट पोएम, लेट अस रीड वन्स अँड देन वील एक्सप्लेन, अँड इफ इट टाइम इज देर वील अगेन गो थ्रू विथ वन वन लाईन. अग्नी मजी पडे बाळू, माता धावे कनवाळू, तैसे धावे माझी काजा, अंकिला मी दास तुझा, सेवेची झेपावी पक्षिणी, पिली पडताची धरणी, भुकेले वसरावे, धेनू हंबरत धावे, वनवा लागलासे वनी, पाडस चिंतिती हरणी, नामा माने मेघा जैसा, विनीत चातक तैसा. यानी ये पोयम हमको संत नामदेव ये बता रहे हैं कि मैं आपकी याचना कर रहा हूं. ओके, यस यस. अंकिला मी दास तुझा हा अभंग संत नामदेव महाराजांनी लिहिला आहे. संत अभंगात संत नामदेव महाराजांनी विविध दृष्टांतून परमेश्वराची कृपेची याचना केलेली आहे. ते म्हणतात विविध यानी डिफरंट, दृष्टांतून यानी एक्झाम्पल्स, दृष्टांतून यानी एक्झाम्पल्स याचना केली आहे म्हणजे रिक्वेस्ट केलेली आहे. हॅलो, आपण आता पहिले दोन लाईन्स बघूया. अग्नी माझी पडे बाळू, माता धावे कनवाळू, अंडरलाईन द वर्ड कनवाळू, तेसे धावे माझ्या काजा, अंकिला मी दास तुझा. आधी मी मीनिंग सांगून घेते. अग्नी माझी म्हणजे अग्नी, माझी म्हणजे मध्ये, अग्नी मध्ये यानी आग मे, पडे म्हणजे पडणे, गिरणा, बाळू छोटे बाळ, बाळू म्हणजे बाळ, छोटा बच्चा, माता आई, धावे म्हणजे पळणे, भागना, कनवाळू याने दयाळू, राईट द मीनिंग, दयाळू, तैसा याने त्याचप्रमाणे, तैसा वो तभी की मराठी यूज की गई है, तैसा त्याच प्रमाणे, धावे माझिया, माझिया याने मेरा, काजा, काजा म्हणजे काम. हॅलो अपर्णा मॅम, येस मॅम, कॅन वी वाइंड अप, टाइम इज अप. ओके, जस्ट वन लाईन मीन्स जस्ट वन वर्ड. ओके, अंकिला मी दास तुझा, दास याने सेवक. अग्नी मजे पड़े बाळू, माता धावे कनवाळू, तैसा धावी माझी काजा, अंकिला मी दास तुझा. हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन, द पेपर पैटर्न, पेपर एंड दिस पोयम, वी विल कंटिन्यू. इज दैट क्लियर? एनीवन एनी डाउट? बच्चे लोग किसी को कुछ डाउट है? एनीवन, एनीवन हैज गॉट एनी डाउट?
किसी को कुछ पूछना है? ओके मैम,